Good morning children, I am Priyanka Rathi, your art and craft teacher. So today we will learn how to prepare a landscape painting. Landscape painting में क्या क्या आता है, जैसे कि mountains, valley, river, trees, hut, something. आप कुछ भी landscape में draw कर सकते हैं. Like मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ आज वो painting ये है with watercolor. आपको video बहुत अच्छे से देखनी है, instructions को follow करना है. इसमें video में मैंने brush को कैसे use किया है, कैसे shading दी है, किस कौन से colors में किस तरीके से show करा है. आप कोई भी landscape painting बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही बनाएं, but आपको एक जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है किसी चीज़ का. अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, मान लीजिए लाइक अ ट्री, हम कोई ट्री बना रहे हैं. जब ट्री अगर हम बना रहे हैं तो जहाँ जिस जगह से बैंड होता है उस जगह डार्क पोर्शन आ जाता है. क्यों? क्योंकि शेडिंग आ जाती है. लाइक दिस, जैसे आपका ये हैंड है, अगर हैंड हमारा बैंड हो रहा है तो जिस जिस जगह बैंड हो जाता है तो देखो आप यहाँ पे शेडो पड़ रही है. जब शेडो पड़ती है तो शेडो पड़ने से वो एरिया हमारा डार्क हो जाता है. सेम चीज माउंटेन्स में है. माउंटेन्स में यहाँ यहाँ हमने डार्क पोर्शन क्यों लिया है? डार्क पोर्शन हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये हमारा बैक साइड में पड़ गया. जब ये बैक साइड में जाएगा तो बैक साइड की शेडिंग जब इस पर पड़ती है तो वो हमारा डार्क हो जाता है. मान लीजिए देखिए, जैसे ये है, हमने इस पे शो किया. अब आप देखो इस दूसरे हैंड पे मेरे इस हैंड की शेडिंग आ गई है. जब शेडिंग आएगी तो ये पार्ट हमारा जो शेडिंग का होगा वो हमारा डार्क कलर में आ जाता है और बाकी लाइट हो जाता है. जब लाइट जहाँ पड़ती है वहाँ पर हमारी लाइट ग्रेस करता है, ग्लो करता है, और जहाँ हमारी शेडिंग आ जाती है वहाँ पर हमारा डार्कनेस में आ जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. आपको ड्राइंग फाइल चाहिए इसके लिए, पेंसिल, इरेजर, वाटर कलर, ब्रशेस, ईयरबड. नाउ स्टार्ट. अब आप इसको पहले डिवाइड कर लेंगे. एक स्लीपिंग लाइन बीच सेंटर में हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे. देन अब सेंटर से हम स्लैंटिंग लाइन और यहाँ पर हम लोग एक हाफ स्टैंडिंग लाइन करके देन स्लीपिंग लाइन. सेम नीचे अब हम यहाँ पे हट बनाने के लिए इस लाइन से हम लोग थ्री इक्वल लाइन इस तरह से बनाएंगे. उसके ऊपर हम स्लैंटिंग दो लाइन ऐसे बनाएंगे, अंदर की लाइन रेज करेंगे. देन अगेन स्लैंटिंग लाइन बैक साइड में और जो इंटरनली लाइन्स हैं उनको इरेज कर देंगे. देन स्मॉल डोर. अब ट्री बनाने के लिए हम लोग वेवी लाइन लेंगे. कोई भी आप वेवी लाइन बनाते हुए ऊपर ट्री बनाएंगे और ऐसे नीचे से थिकनेस और ऊपर से थोड़ा पतला रखते हुए उसकी स्टिक बनाएंगे. देन अब इस पार्ट में हम माउंटेन्स लेंगे. स्लैंटिंग लाइन लेते हुए स्मॉल, बिग, मिक्स हम लोग ऐसे बनाएंगे. एक कर्व लाइन इसके हाफ पार्ट में, इरेज ट्री लाइन अंटरनल. आप यहाँ पे स्टोन बनाएंगे. आपने देखा ना रिवर साइड में जब कभी हट होती है तो उसके साइड में बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, कहीं छोटे कहीं बड़े, तो हम वो स्टोन्स इस तरीके से बनाएंगे. अब ये जो हमने स्लैंटिंग लाइन खींची थी हम इसको रिमूव इरेज कर देंगे. नाउ अब हम वाटर कलर्स में पहले इनको वेट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी इस तरीके से सब में. ये फ्लैट ब्रश मैं ले रही हूँ, 2 नंबर या 4 नंबर आप फ्लैट ब्रश ले सकते हैं. अब हम
आपने देखा होगा आसमान में जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो वहाँ पर डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, वाइट, ग्रीनिश, येलो शेड होती हैं। तो हम पहले डार्क ब्लू कर रहे हैं कहीं कहीं पे, बीच बीच में हम लोग स्काई ब्लू करेंगे। कहीं पे हम वाइट डालेंगे इस तरीके से, जिससे वो आप देखते हैं ना शेड पड़ती है, तो शेड उसी तरीके से हम इसमें शेड डालेंगे। ग्रीन कलर क्यों आता है ये आपको पता है? जब सनलाइट येलो होता है, ब्लू आपका आसमान होता है, तो जब वो दोनों हमने हम ब्लू और येलो को मिक्स करते हैं तो हमारा कलर क्या आता है? ग्रीन। ग्रीन कलर आता है तो उसकी हल्की हल्की शेड इसमें हम लोग को वो ग्रीन शो करनी है। मिक्स करते हुए फ्लैट ब्रश इजली आपको यूज हो जाएगा ना। इन माउंटेन्स के बीच में से हम येलो कलर शो करेंगे। ग्रीन और येलो मिक्स करते हुए इस तरीके से हम पूरा ऊपर का इस पार्ट कर देंगे कंप्लीट। ब्लू मिक्स करेंगे इसमें, वाइट मिक्स करेंगे। नाउ लाइट ब्लू कलर आपको पता है ना कैसे बनाना है? अगर डार्क ब्लू कलर है आपके पास तो उसमें वाइट कलर मिक्स करके हम लोग लाइट ब्लू कलर बना लेंगे। अब हम माउंटेन्स में पहले लाइट ब्लू कलर कर लेंगे कंप्लीट, फिर उसमें हम लोग डार्क कलर से कहीं कहीं पे शेडिंग डालेंगे। इसमें हम कहीं पे डार्क ब्लू लेंगे, कहीं पे हम लाइट ब्लू लेंगे, तो आपको मिडल जो है एकदम लाइट, फिर डार्क टोन करने के लिए हम इसमें थोड़ा डार्क कलर ब्लू कलर मिक्स कर लेंगे लाइट में, तो ये वाली शेड आ जाएगी। आप देख रहे हैं अभी नाउ, अब ये डार्क कलर डार्क ब्लू से हम इस तरीके से आउटलाइन करेंगे। पहले ये आउटलाइन समझ लीजिए आप, या फिर फ्लैट ब्रश को आप स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल। ये देखो ये कलर मैंने डार्क ब्लू और लाइट ब्लू को मिक्स कर लिया, या फिर डार्क ब्लू में बिल्कुल हल्का सा व्हाइट कलर मिक्स करेंगे आप, जिससे ये वाला शेड आएगा। अब यहाँ पर हमने देखो हाफ हमने दिया है शेड, क्योंकि वहाँ पर वो एक साइड में हमारी शेडो पड़ रही है तो हमने डार्क कलर दे दिया है। ऐसे ही
हमारे आपने माउंटेंस देखे होंगे, कहीं से उठे होते हैं, कहीं से जो है फ्लैट होते हैं, कहीं से थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो इसलिए हम जगह जगह पे कहीं कहीं पे डार्क टोन देंगे। रिवर में पहले हम एक साइड में यहाँ पर लाइट शेड डालेंगे। सेम रिवर में भी क्या होता है, आपने देखा होगा रिवर में भी लाइट कलर होता है, कहीं डार्क कलर होता है, कहीं वाइट आपका झाग जो बन जाते हैं पानी से वो शेड आता है, तो वही हम यहाँ पर करेंगे। कहीं कहीं पे हम लाइट कलर डालेंगे, कहीं कहीं पे हम डार्क कलर डालेंगे, लाइक दिस। राइट टू लेफ्ट आपको ब्रश को ऐसे करते हुए एकदम स्ट्रोक की तरह मिक्स कर देंगे। याद रखें कि यह आप एक ही वे में करेंगे, स्लिपिंग वे में करेंगे। अगर आपने स्लिपिंग वे में नहीं करा है और अगर आपने ये कहीं आपने स्टैंडिंग और कहीं स्लिपिंग किया तो वो लुक नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। कहीं कहीं पे हमने देखो वाइट की शेड डाल दी। कहीं कहीं पे हम डार्क कलर डाल देंगे, ब्लू। अब हम हट के ऊपर में पहले हम पूरा ऑरेंज कर लेंगे, कंप्लीट ऑरेंज कर लेंगे। ऐसे ही जो स्लैंटिंग हट के आगे है अब हम डार्क ब्राउन कलर यहाँ पे है कॉर्नर्स में और कहीं कहीं पे हम इसके शेड देंगे। शेड देने से कहीं कहीं पे डार्क टोन, कहीं कहीं पे लाइट टोन। पहले देखिए मैंने हाफ में डार्क ब्राउन कर दिया है, अब मैं इसमें हल्का ब्लैक बिल्कुल डॉट टच करते हुए ब्रश को ब्राउन और ब्लैक के साथ में, क्योंकि वो थोड़ा डार्क ब्राउन को टोन आ जाएगा। ऐसे अब हम ट्री में करेंगे। पहले मैंने ब्राउन कर लिया, ब्राउन कलर करके अब मैं जगह जगह कॉर्नर्स पे जहाँ बैंड हो रखा है या आपने कर्व दिया है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डार्क ब्राउन कलर करेंगे। डार्क ब्राउन हम ब्राउन में थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक मिक्स करेंगे तो वो डार्क ब्राउन में आ जाएगा। कहीं कहीं पे हम लोग शेड देंगे डार्क ब्राउन की और ब्रश को स्टैंडिंग वे में ले जाते हुए आप नीचे से थिकनेस में और ऊपर लाइटली आप एकदम ले जाते हुए छोड़ देंगे।
अब हम यहाँ पे एक ओवल शेप में अंदर यहाँ कॉर्नर कॉर्नर्स में इस तरीके से डार्क टोन डाल देंगे। अब हम अंदर, आपने देखा होगा ट्री में कहीं कहीं पे ऐसे सर्कल्स होते हैं, ओवल शेप में ब्लैक करेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा सा रेड और ऑरेंज की शेड देंगे जिससे कि वो अच्छा लगे। लाइट और डार्क कलर में ट्री का कटिंग होती है ना, अंदर कहीं लाइट कहीं डार्क, वैसे ही इस तरीके से शेड आएगी। डार्क ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करते हुए हम लोग फिर से आउटलाइन दे देंगे बाहर की एक तरीके से। ये हमारा, इससे हमारा क्या लुक आता है, 3D का लुक आता है। यहाँ पर भी हम वही ब्राउन और डार्क ब्राउन की कहीं कहीं पे शेड देंगे। डार्क ब्राउन हल्का हल्का ब्लैक का टच करते हुए ब्राउन के साथ में डार्क ब्राउन शेड आ जाएगी। कहीं पे येलो डाल देंगे हल्की हल्की, फिर डार्क ब्राउन से। अब बैक साइड में लास्ट में जाके थोड़ा ज्यादा डार्कनेस होता है तो हम यहाँ पे ज्यादा डार्क ब्राउन कर देंगे। अब ग्रास शो करने के लिए पहले हम कहीं कहीं पे लाइट ग्रीन और येलो की टोन डाल देंगे, स्लीपिंग वे में करेंगे सब। कहीं कहीं पे येलो डालेंगे, कहीं कहीं पे लाइट ग्रीन डालेंगे पहले। इस तरीके से आप पूरा पहले फिल कर लेंगे बेस को। आपको इसमें ज़्यादा ब्रशेस की ज़रूरत नहीं है, 0 नंबर ब्रश और आप फ्लैट ब्रश, अगर फ्लैट ब्रश नहीं है तो आप राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। बट फ्लैट ब्रश से ज़्यादा क्लीन होता है, बिल्कुल एकदम सफाई से आता है। देखो आप जहाँ जहाँ ड्राई होता जा रहा है कितना अच्छा से शेडिंग आ रही है। अब हम 0 नंबर का ब्रश लेंगे डार्क ग्रीन कलर से। हम हल्के हल्के धीरे धीरे स्ट्रोक्स डालेंगे, लाइक सी देखो हम नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रोक डालेंगे धीरे धीरे। पहले हम डार्क ग्रीन डाल देंगे, देखो ऊपर से एकदम बिल्कुल
बारीक हो जाता है, नीचे से ज़्यादा थिकनेस में रहता है। जब हम नीचे से ऊपर कर्वी शेप में थोड़ा नीचे से ले जाएंगे और ऊपर एकदम ऐसे स्ट्रोक्स डालेंगे। अब यहाँ हम कहीं कहीं पे पहले हम डार्क ग्रीन डालेंगे, फिर हम कहीं कहीं पे लाइट ग्रीन और येलो का शेड डालेंगे। सेम यहाँ पर हम लोग थोड़ा बड़ी लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें फ्लावर्स बनाने हैं। जैसे हम जो है फार्मिंग करते हैं और उसी तरीके से हमारा फ्लावर्स का भी होता है। फ्लावर्स के लिए हम लोग कहीं कहीं पे फ्लावर्स लगाते हैं, फिर फ्लावर्स बेचते हैं। आपने रोज़ की भी देखी होंगी, तो वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो आपको स्टेम्स बनाने हैं तो थोड़ा लंबे स्ट्रोक्स डालने हैं डार्क ग्रीन के। स्टेयर्स डार्क ग्रीन से बनाएंगे रेक्टेंगुलर शेप में आते हुए, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर स्टेप छोड़ना है। देखो मैंने कहीं कहीं पे डार्क ग्रीन दिया है, कहीं पे हमने बड़े बड़े लिए हैं और कहीं कहीं पे हम छोटा 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 स्ट्रोक्स डालेंगे, जिससे कि ग्रास का होता है ना, आपने देखा है गार्डन में छोटे छोटे स्ट्रोक्स डालेंगे ग्रास के लिए, जिसमें हम येलो, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन तीनों मिक्स करके डालेंगे। पहले डार्क ग्रीन के डाल देंगे, फिर लाइट ग्रीन की, कहीं कहीं पे येलो की। अब हम स्टोन्स में वाइट कलर कर रहे हैं, आपको एक कंप्लीट वाइट कलर करना है। यहाँ राइट साइड में जो हमने एक बड़ा स्टोन बनाया है उसमें भी हम वाइट कलर करेंगे। अब डार्क ब्लू कलर हमें स्टोन्स के साइड साइड में देना है, वही सेम जहाँ जहाँ शेड पड़ेगी वहाँ हम कहाँ क्या कलर देंगे। आप यहाँ ग्रीन कलर भी दे सकते हैं, ब्लैक शेड, ग्रेश कलर भी दे सकते हैं, बट मैं यहाँ ब्लू कलर दे रही हूँ।
यहाँ पर भी हम नीचे इसी तरीके से कहीं कहीं पे शेड देंगे ग्रे कलर के, ग्रे या फिर आप डार्क ब्लू कलर शेड दे सकते हैं। अब हम येलो कलर लेंगे, ईयरबड के साथ छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे ऐसे, कहीं कहीं पे देंगे, आप सब जगह नहीं करेंगे, बीच में गैप छोड़ना है। अब हम रेड कलर लेंगे, कहीं कहीं पे हम रेड कलर डाल देंगे। रेड और येलो मिक्स फ्लावर्स हैं, गार्डन में होते हैं ना। बीच वाले में हम येलो के साथ में व्हाइट डालेंगे फ्लावर्स। अब ट्री पे ऊपर पहले हम ग्रीन कलर के जैसे लीव्स होते हैं तो वो हम ईयरबड से कहीं कहीं पे अब हम व्हाइट कलर करेंगे जिसपे हम यहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स और पिंक फ्लावर क्या दिखा रहे हैं। पिंक फ्लावर में आपको 3 ईयरबड एक साथ लेकर भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर आप 3 डॉट्स जो है एक साथ फ्लावर के लिए बना सकते हैं कहीं कहीं पे। अब यहाँ पे नीचे जो कॉर्नर पे स्टोन है वहां पे भी हम ग्रीन कलर का स्ट्रोक डाल के पिंक कलर के फ्लावर्स उस पे भी कर देंगे। लाइट ग्रीन की शेड डालेंगे कहीं कहीं पे और अब पिंक कलर में फ्लावर्स बना देंगे। अब हट के अंदर हम 0 नंबर के ब्रश से छोटी छोटी विंडो बना देंगे इस तरीके से।